नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा NCL का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, और यहां पर दोस्तों जो वैकेंसी निकाली गई है इसके बारे में हम लोग यहां पर दोस्तों जो माइनिंग सरदार का सिलेबस है उसका हम लोग यहाँ पर सिलेबस देखने वाले हैं। तो आइए इसका जो सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो नोटिस निकाला गया है ये 27 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। अगर आप लोग दोस्तों इसका फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप लोगों का जो फॉर्म है वो आप लोग जरूर भरिए, और इसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने पहले से ही डाला रखा है। अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अपना देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो माइनिंग सरदार की यहाँ पर जो वैकेंसी है इसके बारे में देखिए। यहाँ पर है जो माइनिंग सरदार का है, यहाँ पर TNDS का, इसका हम लोग सिलेबस देखेंगे, जो कि दोस्तों टोटल 374 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक, तो इसका आइए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो हम लोगों को नीचे जाना है, तो जैसे ही नीचे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को सिलेबस मिल जाएगा। देखिए अनगिरी ये जो है सिलेबस, अब इस सिलेबस में दोस्तों देखिए जो पोस्ट है माइनिंग सरदार TNDS ग्रेड सी, तो माइनिंग सरदार TNDS ग्रेड सी में आपको दो सेक्शन मिलेंगे। एक तो जो आपका रहेगा वो रहेगा सेक्शन ए। जो सेक्शन ए रहेगा दोस्तों ये आपका, इसमें दोस्तों टोटल 70 क्वेश्चन आपका अवेलेबल रहेगा। ठीक, जो कि आपके क्वेश्चन रहेंगे ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे। ठीक, अब इसमें देखिए पहला है कि जो आपको टॉपिक पढ़ना है इन 70 क्वेश्चन में, यानी कि वो आपके टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे समझ लीजिए। तो इस टेक्निकल वाले पोर्शन में आप लोग देखिए ओपन कास्ट कोल माइन वर्किंग, बेंच फॉर्मेशन, डंप मैनेजमेंट एंड हाउल रोड डिजाइन। ठीक, और इसके बाद दोस्तों दूसरा है कि शॉर्ट फायरिंग एंड ट्रांसपोर्ट एंड यूजेज ऑफ एक्सप्लोसिव्स इन माइन। और देखिए तीसरा जो चैप्टर आपका है जो पढ़ना है जो टॉपिक वो है कि सेफ्टी इश्यूज इन ओपन कास्ट वर्किंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, वर्किंग एट हाइट्स और मार्चिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ हैवी मशीन ETC। और इसके बाद जो चौथा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो आपका प्रिलिमिनरी आइडियाज अबाउट रिक्लेमेशन ऑपरेशन इन ओपन कास्ट माइनिंग। पांचवा जो रहेगा आपका दोस्तों सिलेबस में जो टॉपिक पढ़ना है वो रहेगा प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। इसके बाद देखिए जो छठवां है वो है कि प्रोविजन ऑफ द कोल माइन रेगुलेशन 2017 का जो रूल है वो आपको पढ़ना है, रूल पढ़ना है और बायलॉज मेड अंडर द माइन एक्ट 1952 और रिलेटिंग टू द सेफ्टी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन इन जनरल एंड टू द ड्यूटीज ऑफ सरदार एंड शॉर्ट फायरर इन पर्टिकुलर। ठीक, और देखिए जो सातवां है वो रहेगा आपका राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक, तो राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स जैसे कि एज पर द कोर्स ऑफर्ड बाय द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो ये हो गया दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरा है ये आपको पढ़ना पड़ेगा जो जो टॉपिक हमने यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों 70 क्वेश्चन जो पार्ट ए यानी कि सेक्शन ए रहेगा इससे पूछा जाएगा। और जो दूसरा दोस्तों आपको जो पार्ट बी है ये आपका नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल के दोस्तों आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, MCQ ऑफ 1 मार्क ईच, यानी कि जो सेक्शन भी रहेगा इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का, और एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए करें दिस सेक्शन इज कॉमन फॉर ऑल पोस्ट विल कैरी 30 क्वेश्चन बिलोंगिंग टू, कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो रहेगा ये कॉमन क्वेश्चन रहेगा जो कि सभी के लिए समान रहेगा, इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें देखिए जो पहला है वो रहेगा आपका जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज कहाँ से पूछा जाएगा, तो देखिए कह रहा है यहाँ पर कि अबाउट इंडिया एंड इट्स इंटरनल रिलेशंस, जनरल साइंस ETC। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अबाउट इंडिया, और इसका जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो पूछा जाएगा, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर है कि जनरल अवेयरनेस, यानी कि जनरल अवेयरनेस में आपको देखिए स्पोर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुक प्राइज अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी ETC, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो इसमें ये हो गया। और देखिए तीसरा है कि रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको सिनोनिम आ जाएगा, एंटोनिम आ जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ सकता है, ग्रामर जो होगा वो आएगा,
रिलेशनशिप ईटीसी, इन सबसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, अब देखिए जो लास्ट में है जो चौथा है वो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि दोस्तों आपका वर्क रिलेशनशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड और है यहाँ पर ईटीसी। अब ईटीसी मतलब ये मत समझिएगा दोस्तों कि आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस और वर्क रिलेशनशिप ये सिर्फ और स्पीड सिर्फ तीन ही चैप्टर से पूछा जाएगा। अब इसमें आपके जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से और भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पर ईटीसी लिख दिया है। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपसे तीन ही चैप्टर पूछा जाएगा, और भी चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईटीसी मतलब जो बाकी बचता है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्लस दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो टेक्निकल वाला पोर्शन है 70 नंबर का, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो यही है पूरा डिटेल दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम का ग्रुप और चैनल भी बनाया गया है। और दोस्तों जिनको ये पेपर, इनका जो पेपर है दोस्तों मानिक सिरदर्द TNDS का, इसका दोस्तों मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर 2018 का ये पेपर है माइनिंग सिरदार TNDS ग्रेड सी का। ठीक, और 2020 का भी पेपर मेरे पास है, तो जिसको चाहिए वो अपना ये PDF ले सकते हैं, देख सकते हैं। माइनिंग सिरदार TNDS सिंगरौली NCL देख सकते हैं, सेटे है। 2018 का पेपर है, 70 क्वेश्चन रहेगा प्लस 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसी आधार पर आपका क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो जिनको ये पेपर चाहिए वो लोग क्या करें दोस्तों, ये जो टेलीग्राम है आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से है, ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से ये जो है दोस्तों आपको इसे ज्वाइन कर लेना है। ठीक, देखिए यहाँ से NCL का जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। और प्रोफाइल में जब जाएंगे तो आपको नीचे एक सेक्शन दिखेगा फाइल्स का, तो 155 फाइल्स ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी में दोस्तों हम अभी PDF डाल देंगे। और यहाँ और पहले भी डाले थे तो नीचे हो गए तो इसलिए ऊपर दिख नहीं रहा है, तो इसको हम फिर से डाल देंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो जो भी कैंडिडेट अगर इस ग्रुप को, इस चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल, वो लोग ज्वाइन कर लें। और भी इंफॉर्मेशन जिसको लेना हो NCL से रिलेटेड, तो NCL इंफॉर्मेशन नाम से यहाँ पर ग्रुप बनाया गया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लगभग 451 स्टूडेंट हैं, तो आपको इसे ज्वाइन कर लेना है, NCL इंफॉर्मेशन नाम से है। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए हमारे पास यहाँ पर 2020 का भी पेपर है, जो कि 7 फरवरी 2020 को हुआ था, सेटे है माइनिंग सिरदार TNDS ग्रेड सी का, तो ये भी पेपर आपको मिल जाएगा। तो आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको हमने यूट्यूब पर डाल रखा है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग इसका सलूशन देख सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।